जो बेड फ्रेम है वो आ गया था पहले ही। ये मेरा मैट्रेस अभी आया है तो मैंने उसको डोर से कलेक्ट किया। और नहीं, मैं पेंडू नहीं हूँ, मैं गर्मियों में सर्दियों में ग्लव्स नहीं पहनता। सीन ये है कि भी मैंने चाकू के साथ थोड़ा सा खेलना है, तो आई एम अ वेरी डेंजर बॉय एंड आई एम अ बैड बॉय, सो व्हेनेवर आई प्ले विद नाइव्स आई कट माई सेल्फ। वो नहीं होते जिस तरह लड़के जब ब्रेकअप हो जाता तो अपनी कलाइयाँ काट लेते, तो उस तरह मैं गलती से अपनी उंगलियाँ काट लेता हूँ जब भी चाकू के साथ इस्तेमाल करता हूँ ना। ये रिसेंटली भी हुआ, मैंने अपने थंब पे कट मार लिया था। तो भैया पहले तो ये मैट्रेस खोलते हैं। मैट्रेस इसलिए मैं पहले खोल रहा हूँ ताकि ये खुल के ना फिर थोड़ी देर खुला रहे, ताकि फूल के फिर ये अपनी शेप में आ जाए, उसके बाद ये बेड फ्रेम जोड़ना शुरू करते हैं। तो आज का ये मिशन होगा, देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं हम। ये तो मैट्रेस तो खोल दिया, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैट्रेस को थोड़ा फूलने में टाइम लगेगा, तो जब तक ये फूलता है तब तक हम ना जोड़ते हैं बेड फ्रेम। अब उसका असल चैलेंज सारा, तो बेड फ्रेम जो है वो कमरे में जोड़ने में कमरे में रखना पड़ेगा, यहाँ जोड़ लिया तो फिर अंदर कैसे लेके जाएंगे भैया। तो चले, एक्चुअली अब ग्लव्स उतारने पड़ेंगे कि हमें थोड़ी सी फ्रिक्शन चाहिए हाथों की। हाँ भाई, अभी सीन ये है कि हमने इसको अनपैक तो कर लिया, बड़ा अच्छा जिपर बैग के अंदर दिया, लेकिन अब ये सारे जो तख्ते हैं ना, मटेरियल है, ये अपनी साइंस लगा के जोड़ने होंगे सारे, तो देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह करे उन्होंने हमें औजार दिए हुए जोड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ की मेरी सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है कि यहाँ पे आप कुछ भी डिलीवर करते हो ना, आपको ना वो सारा तोड़ के ला के देते हैं। पहले तो लगता है कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्या यार टूटा फूटा सारा खुद जोड़ना पड़ता है उसको, लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव में सोचे कि इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल डिलीवरेबल बना दिया कि यार एक डब्बे के अंदर पूरा बेड दे दिया, वो आपका काम है जोड़ना। इससे थोड़ा सा बंदे को ये भी पता चलता है कि यार बेड किस तरह जुड़ता है, क्या होता है, थोड़ी सी उसकी भी उस मैकेनिक्स की भी बंदे को समझ आती है, दूसरा थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और काफ़ी मज़े का काम है, सिर्फ ब्लॉगिंग साथ हो रही है ना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन टेंशन है, आप लोगों ने ये चीज़ फील नहीं करनी, वो मेरा दुख है, मेरा दर्द है। खैर, इसको जोड़ना शुरू करें। हाँ भैया, औजार तो दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ओह, मजे की बात ये जो बैग है, बैग नहीं है, बेड का हेड है, तो ये हेड ऊपर लगेगा, मुझे अब रियलाइज हुआ है। मैं इसके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहा था, टूट ही रह जाएगी भाई, बड़ी महंगा है। टूटने की बात ही की थी अभी। हाँ भैया, तो सीन ये पीछे जो है ना, ये मेरे बेड का हेड पड़ा हुआ है, तो वो तो आपको सारा एंड में सही तरह करके दिखाएंगे। अभी ये जो बॉक्स है ना, ये दिया है, इसको खोलते हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला हमारे औजार हमें मिल जाएंगे। तो खोलते हैं, चेक करते हैं। एक रैचेट दिया इन्होंने घुमाने के लिए, और अंदर बॉक्स में क्या है, अब ये क्या सीन है, सिलेंडर दे दिए, किसके लिए होगा, आई डोंट नो। ओह कोर्स, बेड के पाँव दिए, चार बेड के पाँव, मैं भी कितना पेंडू हूँ। तो इसको भी देखते हैं बाद में, पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेंगे भाई, उसके बगैर थोड़ी बेड जुड़ेगा। अच्छा जी, खैर हुए थे, अरे जल्दी से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। थिर्थ हाँ भैया, तो ये फाइनली बेड की तरह लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये वाले जो साइड वाले लगाने वाले थे ना, इसमें बड़ा टाइम लगा भैया, तो बस अब वो जो लकड़ी वाले तख्ते हैं ना, वो रह गए लगाने, तो वो लगा के फिर आपको दिखाते हैं फाइनल क्या रिजल्ट बना, फिर इसके ऊपर ज़रा बेड शेड फेंक के सब करके, सब करते हैं, सब करते हैं। 23 साल का हो गया ना, अब थोड़ा सा बेंड होता ना ज़्यादा, तो कमर फ़ौरन फारिग होना शुरू हो जाती है। अब आप लोग कहोगे, आप में से जो बड़े देख रहे होगे कोई,
और ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। एक तो फिर वो चले जो लोग होते ना, वो कहते हैं यार अभी तुम यंग लड़के हो यार, यंग लड़के। अबे नहीं यंग लड़का मेरा, कमर टूट जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। शिट मैन, ये जो तुम लोग हो ना 19-18 साल वाले, 20 साल वाले, इन्जॉय कर लो, छत से छलांगे मारो भाई, कुछ नहीं होगा। खैर नो, डोंट ट्राई दैट एट होम। एनीवेज ये लगा लें, फिर करते हैं आपसे बात। फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ भैया, जस्ट लाइक दैट द बेड इज फाइनली डन। ओह मर गए। बस अब इस बेड के ऊपर इस मैट्रेस को रखना है। मैट्रेस की जो खाल है ये तो मैं उतार दूंगी, मैं शेख आदमी नहीं हूँ, इसको वापस नहीं कराना। तो ये इधर उतार के फिर इसके ऊपर लगा के दिखाते हैं आपको। ये मुझे डर लग रहा है, ये बेड के हिसाब से मैंने ज़्यादा थिक तो नहीं मंगवा लिया मैट्रेस, लेकिन चलो कोई नहीं, आई लाइक इट थिक एनी वेज। जितना थिक होगा उतना मज़ा आएगा, क्योंकि फिर भैया आराम से दबा दबा के अंदर बेड को सोएंगे। खैर अब इस पर ज़रा अपना कंफर्टर वगैरह बिछाते हैं फाइनली। हाँ भैया अंदर बेड तो रेडी है, लेकिन क्या आप रेडी हैं? मुझे पता है आप रेडी हैं, तो लेट्स गो। टिटिंग टिटिंग टिंग, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भैया ये देखें कितना क्लीन क्लीन लग रहा है, आप कितना बेहतर लग रहा है, लुक्स लाइक होम। ये बेड फाइनली एक शेप में आके कुछ अब अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे इसकी। भैया बहुत ज़्यादा काम था, मैं तो आज के लिए डन हो गया, लेकिन सब छोड़ें आप ये देखें ज़रा, ये गन चेक करें ज़रा भैया, ये कूड़ा सारा भाई, दिस इज़ माई वर्क फॉर अनदर डे। ये सारा कूड़ा मैं कल करूँगा साहब, भैया आज तो नहीं होगा मेरे से। मेरी इस वक्त भूख से मैं मरा जा रहा हूँ, मैंने लिटरली 2 बजे खाया था और मैंने बस फ्राइड एग खाया था, हार्डली एक ओटमील खाया था, लेकिन भैया इतनी लेबर के बाद थोड़ा सा खाना तो बनता है। तो मैं ज़रा खाना खाता हूँ, फिर आप सारे चिल करें, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। खैर मैं आपको लेट के दिखाना ही भूल गया भाई, मैं भी कितना सिली हूँ। एक सेकंड जरा, अरे गिर ना जाए यार नीचे। ओफ सुकून, बड़ा मज़े का बेड है यार, पूरा अंदर हो गया मैं। भैया आज तो फिर बनता है, लाइक और सब्सक्राइब, बनता है कि नहीं बनता? वीडियो पे ज़रा ज़ोर का लाइक का बटन दबाए, ज़ोर का, भाई को उधर तक फील होना चाहिए जिस तरह मैं हर वक्त कहता हूँ। और सब्सक्राइब भी कर दें अगर जा ही रहे होंगे चैनल से, यू नो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस यूँ करके यूँ माउस से लाना है, वो रेड वाला बटन दबाना है और वो ग्रे हो जाएगा। मैजिक ट्रिक है, करके देखें ज़रा।